हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मेरे पीछे एक दीवार देख सकते हो, इसको हम कुछ इस टाइप के लुक देने वाले हैं। यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हो, एक्चुअली ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को डेकोरेट करना चाहते हो या ऐसे ही अपने घर के दीवार को सजाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का वॉलपेपर आप लगा सकते हो। जी हाँ, ये वॉलपेपर ही है, बट नॉर्मल वॉलपेपर नहीं है, फोम का वॉलपेपर है और ब्रिक टेक्सचर इसमें आप देख सकते हो। अलग अलग टेक्सचर में ये आपको मिल जाता है। लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप इसके अलग अलग टेक्सचर को चेक कर सकते हो। ये मैंने व्हाइट कलर का लगाया है, अलग अलग कलर में भी मिलता है और ये फोम का होने के कारण साउंड प्रूफिंग में भी कुछ हेल्प करता है। दोस्तों, सबसे अच्छा बात ये है कि इसको आप खुद से ही बहुत ही कम टाइम में अपने घर में लगा सकते हो। इस वॉल स्टिकर के साथ सेल्फ एडहेसिव ग्लू आता है, इसको आप दीवार के साथ साथ किसी भी सरफेस में लगा सकते हो, चाहे वो लकड़ी का हो या किसी मेटल का हो, आपको लगा सकते हो। 3D वॉल स्टिकर को कैसे अपने दीवार में अप्लाई करना है ये तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ही, बट उससे पहले चलिए इस वॉल पेपर का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसको मैंने ऑनलाइन से परचेज किया था, कुछ इस तरीके के पैकेज में आया था। ऑनलाइन इसका प्राइस चेंज होता रहता है, अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्या प्राइस है, आपके लोकेशन में कितने टाइम में डिलीवर होगा, एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने अपने स्टूडियो सेटअप के लिए टोटल 20 वॉलपेपर को ऑर्डर किया था ताकि मैं दो दीवार को कवर कर पाऊं। यहां पे आप देख सकते हो पैकिंग, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन में आपको डिफरेंट साइजेस में देखने को मिलेगा। मैंने जिस साइज को ऑर्डर किया है ये 70x77 सेंटीमीटर का है। टोटल 20 यहाँ पे है और यहाँ पे आप अंदर क्वालिटी चेक कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज करते हो, अगर आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से परचेज करते हो तो आपको यही क्वालिटी मिलेगा, बट अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको अलग अलग प्राइस रेंज में ये दिखेगा। बहुत ही कम प्राइस में भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट क्या है, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। बताया जाता है कि फोम का है, बट अगर आप इसको हाथ में लोगे तो जैसे कागज़ होता है बिल्कुल उसी तरीके से ये बिखर जाता है अंदर, मतलब दब जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोम का है, थोड़ा हार्डी है, बट एक क्वालिटी मिलता है जो बिल्कुल एकदम पतला होता है, कागज़ की तरह होता है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो क्वालिटी चेक कर लीजिए, रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, फिर इसको परचेज कीजिए। मैंने जिस प्रोडक्ट को परचेज किया है, मेरा जो क्वालिटी है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो। इस वॉलपेपर को दीवार में अप्लाई करने का प्रोसेस भी अलग टाइप का है। नॉर्मल वॉलपेपर में जैसे आप चिपका देते हो वैसे ही यहाँ पे नहीं है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो जो ब्रिक टेक्सचर यहाँ पे बना हुआ है उसमें एक आपको लंबा ब्रिक दिखने को मिलेगा और एक छोटा ब्रिक दिखने को मिलेगा। जो लंबा ब्रिक है इसको मेल पार्ट कहा जाता है, जो छोटा ब्रिक है इसको फीमेल पार्ट कहा जाता है। इनको आपको काटना पड़ता है सही तरीके से, कैसे काटना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और फिर जिगजैग तरीके से आपको इसको दीवार में अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो अंदर जो जोड़ बनेंगे, जो दो वॉलपेपर के बीच में जो फर्क है, वो कोई आसानी से पहचान नहीं पाएगा। और अगर आप इनको ऐसे ही साइड बाय साइड इसको लगा देते हो तो एक लाइन बन जाएगा ऊपर से नीचे तक, जिससे आसानी से ये समझ आ जाएगा कि आपने एक वॉल स्टिकर चिपकाया है। यहाँ पे देखिए, ये जो छोटे छोटे ब्रिक है इसको फीमेल पार्ट कहा जाता है, इनको मुझे काट के निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो सीजर का भी यूज़ कर सकते हो काटने के लिए, और फिर अपोजिट साइड का भी मुझे काटना पड़ेगा। और क्या होगा, इससे जो ये फीमेल पार्ट है यहाँ पे आके जो लंबे ब्रिक्स है, जो मेल पार्ट है वो आके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए मैं करता हूँ, आप समझ जाएंगे। दीवार के कॉर्नर के साइड पे आपको ब्रिक्स को नहीं काटना है। यहाँ पे आप देखिए इस फोम सीट को मैंने किस तरीके से काटा है। पीछे सेल्फ एडहेसिव ग्लू है तो इसके लिए मुझे स्टिकर को हटाना पड़ा। और अभी देखिए इसको मैं अपने दीवार पे अप्लाई कैसे करता हूँ। दोस्तों, ये जो फोम का वॉल स्टिकर है ये थोड़ा मोटा होता है और इसमें ब्रिक का टेक्सचर होता है, इसलिए जब आप इसको अपने दीवार पे अप्लाई करते हो तो नॉर्मल जितने भी वॉलपेपर आते हैं उनमें क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, वरना यहाँ पे एयर आने के चांसेस रहते हैं, एयर गैप आ जाते हैं। बट इसमें ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, आप बहुत ही आसानी से जैसे चाहे वैसे आप इसको दीवार में एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे अंदर से स्टिकर को निकाल रहा हूँ और जैसे जैसे मैं निकालता हूँ वैसे वैसे मैं इसको ऊपर से दीवार पे प्रेस करता हूँ और ये चिपक जाता है। कॉर्नर्स पे आपको ध्यान देना है, कॉर्नर्स को आपको अच्छी तरीके से प्रेस करना है, किसी एक स्मूथ सरफेस से आपको प्रेस करना है। अगर आप किसी एक नुकीली चीज़ से प्रेस करोगे कॉर्नर पे तो ये कट सकता है क्योंकि ये फोम का है, और अगर आप प्रेस नहीं करते हो कॉर्नर्स को तो वहाँ पे जो ग्लू है वो अच्छी तरीके से दीवार से नहीं चिपकेगा और ये बाद में कभी निकल सकता है। एक सीट तो अच्छी तरीके से चिपक गया है, अभी उसके साइड में जब मैं दूसरी सीट को चिपकाऊंगा तो उसके दोनों साइड में मुझे जितने भी स्मॉल ब्रिक्स हैं उनको काट के निकालना पड़ेगा ताकि जिगजैग क्रिएट हो जाए और फिर मुझे
बिल्कुल सेम तरीके से, सेम प्रोसेस से जैसे मैंने पहले वाले को चिपकाया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसको चिपकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक सिर्फ मैंने दो वॉल स्टिकर को यहाँ पे चिपकाया है साइड बाय साइड, और ये कितना एरिया दीवार का कवर कर चुका है और कितना अच्छा ये लग रहा है। ज़िगज़ैग क्रिएट करने की वजह से आप देख सकते हो बीच में दोनों वॉलपेपर का जो जोड़ है वो खाली आंखों से नजर नहीं आता है। अगर आप एकदम करीब जाके नहीं देखोगे तो बिल्कुल भी ये नजर नहीं आएगा। अगर आप इस चीज को ध्यान से करते हो जिस प्रोसेस से मैंने बताया, अगर आप पूरी ठीक तरीके से फॉलो करते हो तो बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट अगर गैप बाय चांस आ भी जाता है तो उसमें आप व्हाइट सीमेंट लगा सकते हो या व्हाइट पुट्टी दे सकते हो और गैप को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो वॉलपेपर का काम इतना तक कंप्लीट हुआ है। अभी मैं एक दीवार के कॉर्नर पे हूँ और आप देख सकते हो दिखने में अच्छा लग रहा है। तो जब आप किसी कॉर्नर पे जाओगे तो हो सकता है जितना लेंथ बचा होगा वो आपके पूरे फोम सीट से छोटा हो या फिर बड़ा भी हो सकता है। बड़ा होगा तो एक फोम सीट देने के बाद फिर से एक आपको काटना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे लेंथ छोटा पड़ जाता है आपके फोम सीट के हिसाब से तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक तरफ तो आपको जिगजैग करना पड़ेगा इसके लिए, और दूसरी तरफ कितना लेंथ आपको चाहिए वो आप एक स्केल से या मेजरिंग टेप से आप मेज़र कर सकते हो, और मेज़र करने के बाद जितना यहाँ पे लेंथ आएगा उस हिसाब से आपको आपके फोम सीट को काटना पड़ेगा और फिर यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो वॉलपेपर का काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा सेटअप हो गया है। और वीडियो के शुरू में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो दीवार था वो कुछ इस तरीके का दिखता था, और अभी कैसा लुक है ये आप मुझे बताओगे वीडियो के नीचे कमेंट में आपको कैसा लगा। दोस्तों ये जो वॉलपेपर है ये वाटरप्रूफ है, इसके ऊपर अगर पानी वगैरह गिर जाता है तो कुछ भी नहीं होगा, डस्ट प्रूफ है, धूल वगैरह नहीं जमा होगा। और अगर कभी कोई दाग वगैरह लग जाता है तो आप इसको पानी से या किसी भी लिक्विड से साफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप इस वॉलपेपर को परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल रखे, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन से इसको परचेज कर सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। कैसे लगाना है जिगजैग टाइप से मैंने आपको दिखा दिया है, वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हो, देख सकते हो कैसे आपको इसको लगाना है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।